हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी लाई हूँ ये रेसिपी है साबूदाना की खिचड़ी, और ये खास तौर पे मैं व्रत के लिए लाई हूँ। ये व्रत में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी तो साथ में है ही है। तो आइए बिना कोई देर की हम बनाते हैं साबूदाना की खिचड़ी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ साबूदाने लिए हैं और इसको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगोया था। ये देखिए फूल आया पूरी तरह से, और ज़्यादा मुझे नहीं भिगोना है। कई लोग इसको 3 से 4 घंटे भिगोते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं भिगोंगी। मैंने कल 1.5 घंटा इसको भिगोया था। अब मैं इसे साफ करके छन्नी में रख लूँगी जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। और खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें। मूंगफली मैंने यहाँ 100 ग्राम ली है, हरी धनिया मैंने यहाँ पे लिया है, कद्दूकस किया हुआ अदरक मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच लिया है, 2 छोटे साइज के मैंने आलू लिए थे जिसे मैंने कट कर लिए है, और नमक स्वाद के अनुसार हम यहाँ पे लेंगे, लाल मिर्च 1/2 चम्मच लेंगे, हरी मिर्च मैंने 4-5 लिए जिसे बीच से मैंने कट किया है, और यहाँ मैंने कढ़ी पत्ते लिए हैं, 2 छोटे साइज के मैंने टमाटर लिए है इसे भी मैंने कट कर लिया है पहले से ही, ये धनिया है फ्रेंड्स, यह मैंने साबुनदाना भी छान के रख दिया छन्नी में। इसका सारा पानी लगभग निकल चुका है, आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने ज्यादा इसको भिगोया नहीं था, कल 1.5 घंटे मैंने भिगोया था। ज्यादा भिगोने पे ये बिल्कुल चिपचिपा जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, खिले खिले ज्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दी थी, गर्म हो चुका था, तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है सनफ्लावर का। तो व्रत में तो खास तौर लोग घी में बनाते हैं, तो आप यहाँ घी पे ही बनाइएगा। तो यहाँ मैंने मूंगफली ली है, मूंगफली जो ली थी मैंने इसको फ्राई कर लेंगे। मुझे घी नहीं पसंद है इसलिए मैं इसको सनफ्लावर रिफाइंड में बना रही हूँ, तो इसको मैं भून लूंगी मूंगफली को। हमारी मूंगफली भून चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। मूंगफली निकालने के बाद इस कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच एक्स्ट्रा ऑयल डाल के, और यहाँ मैं कढ़ी पत्ते डाल दी हूँ, हरी मिर्च, अदरक, तक इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। यहां मैं आलू भी डाल देती हूँ, आलू को फ्राई करना है थोड़ा। फ्रेंड्स, अगर आप बॉयल आलू पहले से रखे रहेंगे तो साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही जल्दी बनेगी, तो मगर मैंने नहीं बॉयल किया था तो मैं यहाँ कट करके डाला है आलू को। अब मैंने यहाँ टमाटर भी डाल दिया है, और इसे भी 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। यहाँ देखिए टमाटर से पानी निकल रहा है। गैस को मैं स्लो ही रखती हूँ, ज्यादा फुल मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है 1/2 चम्मच। नमक भी डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। तो फ्रेंड, 2-3 मिनट हो चुके इसे भूनते हुए, अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 4-5 मिनट के लिए, आलू को पकने के लिए, टमाटर गलने के लिए। गैस स्लो करके रखेंगे और यहाँ मैं इसको कवर कर लेती हूँ 4-5 मिनट के लिए। 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे फिर से चेक कर रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे पहले। तो अब चेक करते हैं कि आलू हमारे पके हैं कि नहीं।
ये मैंने चेक किया, आलू मेरे पक गए हैं और ये मसाला मेरा रेडी है बिल्कुल। अब यहाँ पे हम अपनी साबुनदाने डालेंगे, ये बिल्कुल पक चुके हैं। टमाटर भी गल चुके हैं पूरी तरह से। फ्रेंड्स यहाँ मैंने साबुनदाना डाल दिया सारे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गैस स्लो ही रखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये लगभग मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से और यहाँ मैं इसे 10 मिनट के लिए गैस स्लो करके ढक के रख दूंगी पकने के लिए। पे 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, गैस को स्लो ही रखेंगे अभी। और ये देखिए हमारे साबुनदाना की खिचड़ी बनके रेडी है, एक तरह से बनी चुकी है समझिए, और कितने खिले खिले आए हैं। और यहाँ हम मूंगफली डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कटी हुई धनिया भी डाल दी है और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ मैं नींबू का रस डालूंगी, एक नींबू लूंगी, उसका आधा रस मैं यहाँ निचोड़ देती हूँ। आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। फ्रेंड्स जहाँ तक कोशिश करिएगा आप साबुनदाना की खिचड़ी नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाइएगा, इससे ये होगा कि हमारे साबुनदाना नीचे चिपकेंगे भी नहीं और बहुत खिले खिले बनेंगे। तो ये हमारे साबुनदाना की खिचड़ी बनके रेडी है। फ्रेंड्स आपको ये खिचड़ी पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये खिचड़ी कैसी लगी, और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे।